एलईडी लग जाएगा, जो अपने पास 90 वाट से स्टार्टिंग होती है। बाकी मैक्सिमम आप जितने वाट में जाओगे अपने पास सारा वैरायटी अवेलेबल है, हर एक ब्रांड अवेलेबल है। इसमें अपना नेक्सा जेन्युइन अलाइबल रहने वाली है, जो आप इसका फिटिंग वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। 3 ईयर के वारंटी के साथ हम ये देने वाले हैं। यहाँ बिल्कुल कितना फर्क जो देखा वही पर। हाँ भैया, कल परसों में एक गाड़ी उनके पास और आई, एक और आ रही है। इसमें जो अपना टोटल तकरीबन खर्चा आया 75,000 का खर्चा आया। बाकी अगर आपका यही छोटी मोटी कामों के लिए आपका अगर बजट थोड़ा डाउन हो तो उस बजट में भी आपका काम हो जाएगा। 3 ईयर की वारंटी? हाँ जी। मतलब कोई रस लगेगा तो आप क्या करोगे, वापस दे दोगे, चेंज करोगे? तो स्वागत है आपका आपके चैनल कारखाना पे। दोस्तों आज जो अपने पास जो गाड़ी है ना मॉडिफिकेशन के लिए, वो आई है भाई अपने पास ग्रैंड विटारा। और सबसे पहले मैं बोर्ड दिखा दूं कहाँ पे आया हूँ मैं। आज मैं आया हूँ भाई ऑटो हब कार एसेसरीज पे, ठीक है। ऑटो हब का ना भाई नाम बहुत फेमस है, अगर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर जो काम होता है ना वो क्वालिटी में होता है। अच्छा देखो, ये इसका बेस वेरियंट है, बेस वेरियंट है। और ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आज हमने इसको बेस टू टॉप बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। आज इसमें जो चीज़ें हुई है ना वो लगभग 8 से 10 चीज़ें हमने इसमें आज इंस्टॉल करी है। अच्छा मैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास भी ग्रैंड विटारा है या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है अपनी गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें लगवानी है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है, और आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे भी बचा लेगी। तो ये गाड़ी आप देख लो। अब मैं आपको मिलवाता हूँ पिंटू भैया से, जो कि यहाँ के ओनर हैं। पिंटू भैया बताएंगे इस गाड़ी में आज हमने क्या क्या चीज़ें करी है, प्लस इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा कि कस्टमर का क्या कहना है इस काम के बारे में। तो लो भाई, आ चुका हम ऑटो हब पे और पिंटू भैया का बहुत बहुत स्वागत। पिंटू भैया बहुत बहुत स्वागत है, और कैसे हो? कैसे? बढ़िया, बस एकदम बढ़िया है भैया। ग्रैंड विटारा आई है, बेस वेरियंट अपने पास आई है। इस बेस वेरियंट में हमने क्या क्या चीज़ें लगाई है भैया? अगर फ्रंट प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो फ्रंट प्रोफाइल में अपना LED लग जाएगा, जो अपने पास 90 वाट से स्टार्टिंग होती है। बाकी मैक्सिमम आप जितने वाट में जाओगे अपने पास सारा वैरायटी अवेलेबल है, हर एक ब्रांड अवेलेबल है। बाकी अपने पास 360 डिग्री का ऑप्शन भी है। बाकी अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल में अपना नेक्सा जेन्युइन अलाइबल रहने वाली है, जो आप इसका फिटिंग वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो, विथ कैलिबर पेंट वगैरह के साथ आपको मिल जाएगी। बाकी इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपना क्रोम में लोअर गार्निश रहने वाली है, जो ABS क्वालिटी में रहने वाली है। इसका भी फिटिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, इसका क्रोम फिनिशिंग भी देख सकते हो। 3 ईयर के वारंटी के साथ हम ये देने वाले हैं। 3 ईयर की वारंटी? हाँ जी। मतलब कोई रस्ट लगेगा तो आप क्या करोगे, वापस दे दोगे, चेंज करोगे? करके देंगे। ओके। बाकी अगर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर अपना क्रोम में वाइजर रहने वाला है, जो इसका भी फिटिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो और क्वालिटी भी चेकआउट कर सकते हो। नाइस। इसके ऊपर कोई वारंटी रहती है? हाँ जी भैया, 3 साल की मेरा इसके ऊपर भी हर चीज का 3 साल की वारंटी रहने वाली है। बाकी अगर नीचे की हम बात करते हैं तो नीचे अपना साइड बीडिंग रहने वाला है, जो मैं एक चीज ये भी बताऊंगा आपको, अपना जितना भी क्रोम वाला आइटम रहने वाली है उसका फिनिशिंग आप खुद ही चेकआउट कर सकते हो, इसका क्या फिनिशिंग है। सच में भैया? हाँ, फिनिशिंग तो है। अच्छा, ये भी जेन्युइन रहेगा ना? हाँ जी भैया, सब कुछ जेन्युइन है। हाँ जी भैया, और बेस टू टॉप पे आपको पेस्टिंग एलिमेंट पे 85% का डिस्काउंट मिलेगा। बेस टू टॉप पे? बेस टू टॉप पे मिलेगा, सिर्फ पेस्टिंग एलिमेंट्स में मिलेगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, एलिमेंट पे, वो भी बेस टू टॉप पे। हाँ। अगर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर अपने पास रूफ रेल भी अवेलेबल है, लेकिन भैया को अभी इतना ये काम करवाना नहीं था, बेसिकली छोटा मोटा काम था, आज बजट मॉडिफिकेशन हुआ है। हाँ जी भैया। बाकी अगर बैक प्रोफाइल की हम बात करते हैं, अगर बैक प्रोफाइल की हम बात करते हैं तो बैक प्रोफाइल में अपना कैमरा फिटिंग देख सकते हो आप, जो बिल्कुल OM फिटमेंट के साथ ब्लो पंक का HD कैमरा रहने वाली है, जिसका क्लियरिटी मैं आपको आगे स्क्रीन में चेकआउट करवा दूंगा। ठीक है। देखो भाई, इसमें क्या है ना कि ऑप्शंस तो कई सारे होते हैं अपने पास, लेकिन जिसका जैसा बजट है हम उसी बजट में काम करके बिल्कुल देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई सबको ही करवाना हो बेस टू टॉप, जिसकी जैसे पॉकेट अलाउ करेगी या जिसका जैसा मूड होगा वो वैसा काम करवाएगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। और बताओ भैया, और इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास लगाने के लिए? बात करते हैं तो इसमें अपने पास रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगी वगैरह, अगर बात करें तो अपने पास डिग्गी का क्रोम वगैरह भी अवेलेबल है, जो अपना नेक्सा जेन्युइन रहने वाली है। लेकिन अभी भैया का उतना डिमांड और बजट का थोड़ा इशू था, इसलिए भैया ने इतना सारा काम करवाया नहीं है। बाकी जिन भाइयों के पास अगर ग्रैंड विटारा बेस मॉडल है, आप ये सारा अपने पास आइटम है अवेलेबल है। बाकी अपने पास अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्टर की, अपने पास रिफ्लेक्टर कई वैरायटी में अवेलेबल है। अगर आपको स्मोक में चाहिए तो स्मोक में भी अपने पास रिफ्लेक्टर अवेलेबल है। नाइस, ग्रेट, ठीक है। तो ये बाहर बाहर का हो गया भैया कंप्लीट, आप एक बार अंदर चल के देखें। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तो अब अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि भाई भैया ने इसमें और क्या क्या चीज़ें लगा दी हैं। बाकी हम अंदर की बातें करते हैं, अंदर इसमें अपना हर्ट्ज का स्पीकर लगा है, जो आगे कंपोनेंट और पीछे कोएक्सल रहने वाली है।
बाकी अगर बात करते हैं तो डोर में अपना ट्विटर सेस लगा है, जो बिल्कुल ट्विटर कंपनी फिटमेंट के साथ अपना ट्विटर सेस के साथ रहने वाली है, ठीक है, मारुति का जेन्युइन ट्विटर सेस रहने वाला है। भैया मैंने ना मार्केट में कई लोगों को देखा है, वो ऊपर से लटका देते हैं। हाँ जी भैया, चिपकाते हैं, वो अच्छा ही लगता। काम होता है ना, ये चिपकाऊ वाला काम नहीं होता, मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटमेंट करके देता हूँ। बिल्कुल, देखो जैसे कंपनी से टॉप मॉडल में आता है ना, वैसे ही बिल्कुल काम करके दे रहे हो, तो ये तो है। बाकी अगर आगे की बात करते हैं फ्रंट की, तो इसमें अपना डैशबोर्ड किट लगा है, जो आप इसका भी देख ही सकते हो, मारुति जेन्युइन रहने वाली है। अपना ये ग्लोसी किट लगी है, एसी का अपना ग्लोसी पार्ट रहने वाला है, जो कंपनी बेस मॉडल में नहीं रहती है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हमने चेंज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस, बिल्कुल। उसके बाद अपना गियर नोब रहने वाला है, जो टॉप मॉडल में कंपनी लगा के देती है जेन्युइन। ठीक है, बाकी अपना ब्लो पंक का सिस्टम रहने वाला है, जो 4GB 64GB कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है, जमाई का 990 ये सिस्टम रहने वाली है। ओके, ठीक है, और स्टेयरिंग पे भी कुछ काम हुआ है भैया? हाँ जी भैया, बाकी अगर स्टेयरिंग की बात करते हैं तो स्टेयरिंग पे अपना स्टेयरिंग रैप हुआ है, जो बिल्कुल कंपनी ओएम फिटमेंट की तरह स्टेयरिंग रैप है, जो इसका सिलाई वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर स्टिचिंग मिलेगा आपको। सही है, अच्छा, इसमें आर्मरेस्ट तो आता है मेरे ख्याल? हाँ जी भैया, कंपनी की तरफ से आर्मरेस्ट आती है। ठीक है, बाकी मैं इसलिए पूछ रहा था ना कि जिस भाई को अगर इंटीरियर कराना हो तो सेम इंटीरियर कलर में हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने पास इंटीरियर का सारा ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी सीट कवर का भी सारा ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। जिन भाइयों को अगर ऑन ऑर्डर कस्टमाइजेशन चाहिए, ऑन ऑर्डर कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, और मार्केट से बिल्कुल कम प्राइस में बिल्कुल A1 क्वालिटी आपको मिलेगा। बिल्कुल A1 क्वालिटी मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी झोल आपके साथ हो जाए। देखो इतना बड़ा शोरूम जैसा भाई ने यहाँ पर अपनी जो शॉप खोली है ना, तो ऐसे ही नहीं खोली है, नाम ऐसे ही नहीं बनाया, क्यों भैया? क्वालिटी है भैया के काम में, और आपसे ना एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेते हैं ये, जो जेन्युइन प्राइस है वो जेन्युइन प्राइस में आपको दे देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं हर चीज पे आपको डिस्काउंट ही दे रहा हूँ या कोई चीज फ्री दे रहा हूँ, ऐसा वाला कोई सीन वो चीज नहीं है। देखो ये चीज तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, ये चीज मेरे प्राउड ऑनर बताएंगे। बिल्कुल, जो ऑनर है वो खुद आपको बता देंगे मेरे बारे में, इसलिए मैं इसमें नहीं बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया, ये देखो ये और अच्छी बात करी भैया ने कि अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी है, जो भी है वो ओनर अपने आप बताएंगे, क्यों भैया? बिल्कुल। अच्छा भैया, नीचे आपने मैटिंग भी करी है? बाकी नीचे अपना 70 मैट रहने वाला है, जिसका क्वालिटी और फिटिंग वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो। लोग क्या करते हैं इनवर्सल मैट डाल के कहते हैं 70 है भैया, लेकिन इसका ये हैवी क्वालिटी में भी है। हां जी भैया, है ना, बहुत बढ़िया, मैं देख ही रहा हूँ भैया, देखो देखते ही पता लग जाता भैया, फर्क तो पता लग जाता। बिल्कुल, ठीक है ठीक है। और देखो सीट कवर का काम नहीं हुआ आज, ये भी बता दो, बट ऑप्शन तो है अपने पास। सीट कवर अपने पास अगर 5 सीटर गाड़ी, जितने भी 5 सीटर गाड़ी है, 3500 से अपने पास बकेट फिटमेंट में सीट कवर अवेलेबल हो जाती है। बाकी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपके बजट और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। भैया मेरा क्वेश्चन है, बिल्कुल, अगर कोई जैसे होता ही है, देखो आजकल के जवान लड़के हम भी ऐसे करते हैं, सीट कवर के ना इतने सारे ऑनलाइन डिजाइन हैं अवेलेबल, ठीक है, पिंटरेस्ट पे या कहीं से लोग निकाल लेते हैं, गूगल से निकालते हैं, अगर मैं मान लो अपना डिजाइन लेके आता तो आप उसमें सीट कवर बनवा दोगे? भैया 3 घंटे का आपसे टाइम लेंगे, और 3 घंटे में आप जैसा डिजाइन बोलोगे, जैसा कलर बोलोगे, वैसा कलर और वैसा डिजाइन कस्टमाइज करके देंगे। वाह भाई वाह, यही देखो मुझे आपसे ना यही सुनना था कि सीट कवर अपने हिसाब से भी कस्टमाइज हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। 10 ईयर के वारंटी के साथ देंगे। कितना ईयर? 10 ईयर की वारंटी के साथ। 10 ईयर? हाँ जी, क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात है यार। तो देख लो भाई 10 साल की वारंटी दे रहे हैं भैया। हाँ जी, ठीक है, और उसमें अच्छा क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, लाइक जैसे कि कटा फटा होता तो वो चीज नहीं होता भैया? बस ब्लेड से कटना नहीं चाहिए और किसी चीज से जलना नहीं चाहिए, बाकी कोई भी दिक्कत आ जाए, आपका सीट में पापड़ी आ जाए, सिलाई खुल जाए, सिलाई खुल जाए, बैठ के फट जाए, कोई भी दिक्कत है, मैं हैंड टू हैंड चेंज करके नया पीस दूंगा। ग्रेट यार, अच्छा सिस्टम में ये भी, इसकी कितनी वारंटी बताई थी आपने? भैया 2 ईयर की वारंटी है, 2 ईयर की वारंटी रहने वाली इसकी। ठीक है, अगर मान लो किसी में कोई इशू आ जाता फिर आपके पास आना है या कंपनी जाना? भैया आपके पास सारा ऑप्शन है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी इसकी वारंटी ले सकते हो, ब्लो पंक का अपना सिस्टम रहने वाला है, ऑल ओवर इंडिया में वारंटी ले सकते हो, बाकी अपने पास आओगे तो अपने पास भी वारंटी इसका अवेलेबल है। नाइस, अच्छा एक बार हम इसका कैमरा भी चेक करवा देते हैं भैया। बिल्कुल, ओ यार भैया ये AHD में है क्या? हाँ जी भैया, अपना AHD में मूविंग गाइडलाइन के साथ बिल्कुल प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, आपको दूर तक देखो इसकी क्वालिटी, आपको छोटा छोटा वर्ड जो लिखा हुआ है, छोटी छोटी वर्ड है, सारा चीज आपको क्लियरिटी दिख जाएगी। सही है, अच्छा इसमें मैं ये पूछ रहा था भैया, ये कितने इंचेस की है ये स्क्रीन? भैया ये तो वाइड लग रही है। हाँ, ये जो अपना स्क्रीन रहने वाली है ये 10.33 इंच में रहने वाली है, और ऐसा नहीं है जो 10.33 इंच में है तो फिटिंग वगैरह में इशू है, आप इसका फिटिंग वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल, ओ नाइस, फ्रेम भी ग्लॉसी में लगाया है। हाँ जी, पूरा ये सिस्टम इतना जबरदस्त लग रहा है, कंपनी में कहाँ देती है? हाँ जी भैया, नहीं मिलती कंपनी तो 7-8 इंच की दे देती है। और लोग क्या कहते हैं जो भैया इसमें जगह 9 इंचेस का है, 9 इंचेस ही लगेगा, 10 इंचेस का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे आप देखो 10.33 इंच स्क्रीन इसमें इंस्टॉल हुआ। और मैंने एक चीज और देखी है, कई लोग
मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ऐसे करते हैं, लेकिन कई लोगों मैंने देखा जुगाड़ पहल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने पास देख ही सकते हो बिल्कुल प्रॉपर फ्रेम है भाई, प्रॉपर फ्रेम के साथ लगाया गया है, कोई जुगाड़बाजी नहीं है, कोई कील नहीं ठोकेंगे इसमें, है ना। तो देखो यार फिनिशिंग के साथ भैया काम हुआ है ये तो मानना पड़ेगा, सॉफ्ट टच इसमें आ ही गया है बेस वेरिएंट में, वरना तो जैसे ब्रेजा में तो हम लगा देते हैं बेस वेरिएंट में लगाते हैं ना, है ना। तो हाँ मैं इसीलिए ब्रेजा का भी नाम लिया, सिर्फ ये नहीं कि ग्रैंड विटारा ही कर रहे हैं हम, अपने पास है दिन में कितनी सारी गाड़ी अभी भी लगी हुई है, देखो i20 लगी हुई है और ब्रेजा लगी हुई है। देखो भाई मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी अभी ये लगी हुई है, बाकी जो दिन में और भी कुछ गाड़ियां तो वो तो तैयार होकर जा चुकी है, ठीक है। तो अपने पिंटू भैया के पास आओ, सारा काम आपका हो जाएगा, आपके बजट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब कंप्लीट हो गया भैया, यही सब हमने किया है, अब एक बार ओनर से बात कर ले। बिल्कुल भैया बिल्कुल, तो चलिए अब एक बार ओनर से बात कर रहे और उनसे पूछता हूँ उनका क्या जेन्युइन रिव्यू है। भैया टोटल कितने खर्चा आ गया इस वाले काम में? भैया अगर इसमें हम बात करते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, तो इसमें अपना सिस्टम वगैरह भी ब्लोक पंखा रहने वाला है, स्पीकर अपने हर्ट्ज की रहने वाली है, इसमें जो अपना टोटल तकरीबन खर्चा आया 75,000 का खर्चा आया। बाकी अगर आपका यही छोटी मोटी कामों के लिए आपका अगर बजट थोड़ा डाउन हो तो उस बजट में भी आपका काम हो जाएगा। बाकी हर्ट्ज स्पीकर है अपने पास, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो सामने आप देख ही सकते हो, अपने पास हर एक वेराइटी का स्पीकर वगैरह भी अवेलेबल है, सोनी हो गया, JBL हो गया, तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है, तो हर बजट में हम अपना काम करके देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल कारखाना पे आपका। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं। गौरव गुप्ता। सर कहाँ से आए हो आप? आदर्श नगर से। आदर्श नगर दिल्ली से आए हो आप, ठीक है। तो सर यहाँ अचानक पहुँचे या वीडियो देख करके पहुँचे, कैसे पहुँचे यहाँ पर? वैसे मैं वीडियो देख के पहुँचा, इनके आपके चैनल के थ्रू पहुँचा, और व्यूज़ देख के कस्टमर व्यूज़ देखे जी, और इनकी सर्विस देख के पहुँचा। जो आपने देखा था आप यहाँ परखा है? यहाँ बिल्कुल कितना फर्क, जो देखा वही परखा। अच्छा जो देखा था वही मिला भी है ना, ऐसा तो नहीं कि भैया खाली वीडियो में नहीं, अच्छा नहीं, नहीं, सर, बहुत बढ़िया सर्विस, अच्छा है इनका काम, अच्छा है। अगर 10 में से कुछ रेटिंग करना पड़े तो सर कितना? 10 out of 10। नाइस, वाह भैया, इसीलिए देखो आपके पास कस्टमर आता है और रिपीट कस्टमर भैया के पास देखो ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा सर काम से सेटिस्फाई हो आप? जब जाएगी फैमिली में, जब ये गाड़ी जाएगी फ्रेंड्स में जाएगी तो पूछेंगे, तो आप बोलोगे ना कि भाई आप पिंटू भैया? हाँ भैया, कल परसों में एक गाड़ी उनके पास और आएगी, एक और आ रही है। बिल्कुल ग्रेट, ठीक है। तो देख लो जैसे अपने भैया को तो गाड़ी का काम सारा कुछ पसंद आ गया है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर आओ ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम अभी बाहर शूट कर रहे थे, मेरे पसीने से हालत खराब होगी, लेकिन अंदर अगर आता है तो आप लोगों के लिए भाई भैया ने एसी भी लगा दिया यहाँ पर, आप आओ आराम से आओ, स्पेस की कोई कमी नहीं है, ठीक है, आराम से आप काम करा सकते हो। अच्छा सर बहुत देर भी हो गई आपको, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, भैया ने आपका ख्याल रखा नहीं रखा? सर क्वालिटी एंड कमिटमेंट टाइट टुगेदर। वाह नाइस, तो भाई देख लो आप आओ यहाँ पर अपना आराम से काम करा सकते हो। आपको कुछ कहना भैया और अपने व्यूअर्स से? बिल्कुल भैया देखो ये काम करवाने के लिए आपको आर्य समाज रोड पूसा लेन में ऑटो हब कार एसेसरीज के नाम से बड़ी सी बोर्ड दिखेगी, जो हनुमान मंदिर की तरफ से हम एंटर करते हैं तो सेकंड शॉप अपने रहने वाली है। बाकी अगर बात करते हैं तो पेस्टिंग एलिमेंट पे आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा, जो मैं पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, बेस्ट टू टॉप पे, ठीक है। बाकी भैया का नंबर देखो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, रात को मत करना, सोने देना उनको, बट हाँ जैसे जो भी ऑफिशियल टाइम होता है आप उस पर आराम से कॉल करो, भैया से टाइम लो, टाइम लेके आओ और थोड़ा सा वैसे भी टाइम लेके आओ, तसल्ली पूर्वक काम कराओ, जल्दीबाजी में काम मत कराना, ठीक है। भैया को ये वायर वायर तो नहीं काट देते? ये तो हमने वीडियो में बताया नहीं, काम रहने वाले सारा कपलर टू कपलर रहने वाले, कपलर टू कपलर, हमें छोटा सा काम करना उसमें भी हम कपलर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो आप वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब मुद्दे की बात यह है कि यहां तक अगर वीडियो में आ चुके हो तो एक लाइक कर सकते हो चैनल को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना ऐसी मुलाकात हमारी दोबारा नहीं होगी, पॉसिबल है। तो अगर ऐसी ही वीडियोस आपको और देखनी है ना, और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, कौन सी गाड़ी की मॉडिफिकेशन देखना चाहते हो भैया के पास, प्लीज वो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे, बाकी कमेंट करते रहो, देखते फिर अगली गाड़ी कौन सी रहने वाली है।